The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what is natural bypass or aap ko kya pata hona chahiye natural bypass ke baare mein? Yes! ये आप खुद कर सकते हो. नेचुरल बाईपास का मतलब ही होता है जो नेचुरली हो, जो खुद हो जाए, जो कुदरती तौर पे हो, जो भगवान की मर्जी से हो, वो है नेचुरल बाईपास. जी हाँ, नेचुरल बाईपास हो रहा है आप सभी के अंदर, होता है आप सभी के अंदर. और आप हेल्प कर सकते हो अपने दिल को, जहां पे भी दिल के अंदर ब्लॉकेज आएगी उसमें नई खून की नसें बनाने में. जी हाँ, ये भाई साहब नेचुरल प्रोसेस है. बिल्कुल जैसे पेड़ की शाखाएं बनती हैं, बिल्कुल वैसे ही दिल में भी नई ब्लड वेसल्स बन सकती हैं. और सबसे पहले सच्चाई आपको समझनी होगी. पत्थर पे लिखी लकीर है. ये सच है कि हर एक इंसान जो पैदा हुआ है उसके दिल में ब्लॉकेज आएगी, किसी की जल्दी, किसी की देर में, किसी की एक उम्र के बाद, लेकिन सबके आएगी लाइफ. अब कोई इंसान दूसरी बीमारी से पहले मर जाएगा, कोई इंसान दिल की ब्लॉकेज तक, जब तक वो बढ़ेगी नहीं तब तक इंतजार करके उससे भसक जाएगा, लेकिन होगा. सो थिंग्स आर देयर, सॉरी फॉर दिस थिंग, बट देन ये सच्चाई है. तो ब्लॉकेज सब में आएगी और एक उम्र के बाद 40, 50, 60 की उम्र तक सब में कुछ ना कुछ परसेंटेज ब्लॉकेज तो होगी होगी. अब किसमें ज़्यादा किसमें कम, उसके लिए एथरोस्क्लेरोसिस, हार्ट क्लॉट, ब्लॉकेज, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे ऑलरेडी हैं, आप देख सकते हैं चैनल पे हमारे. बट देन आज बातचीत हो रही है कि ब्लॉकेज मान लिया और ब्लॉकेज होने होते होते आप नई खून की नसें उस ब्लॉकेज के आगे खून सप्लाई करने के लिए खुद, डू इट योर सेल्फ, यू कैन डू इट, पैदा कर सकते हो. उसे हम कहते हैं नेचुरल बाईपास. सो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, मतलब बता रहा हूँ सोचो कि अगर आप ऐसा कर सकते हो, मतलब कोलेस्ट्रॉल से डिपॉजिट हुई आपकी खून की नसों में आप नेचुरली कोई क्लॉग्ड आर्टरीज के आगे ब्लड पहुंचा सकते हो. पिक्चर इट, मतलब चलो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. इमेजिन दैट यू आर ड्राइविंग डाउन सम काइंड ऑफ हाईवे, बहुत सारा हाईवे है और वहां पर ट्रैफिक ने सिग्नल रोक दिया, आगे नहीं जा सकते. आपको दिख रहा है कि बहुत ही लंबा ट्रैफिक है और कुछ ज़्यादा दिक्कत है और ये तो भाई साहब गड़बड़ होना है. अब आपको पता है ये एरिया, आपको एरिया पता है तो क्या करोगे आप दूसरी रास्ता निकालोगे और वहाँ से अलग तरीके से जाके वहीं पैरेलल वैरलर रास्ते से जाके उस जगह पहुँच जाओगे, आगे पहुँच जाओगे जहाँ आपको जाना है. राइट, सो जहां पे ब्लॉकेज है ट्रैफिक का उसको बाईपास करोगे. बिल्कुल सेम चीज होती है आपके खून के सेल्स के साथ. आपके खून के सेल को अपना रास्ता चाहिए, वो चाहते हैं आगे पहुंचना, आपके दिल को ब्लड सप्लाई करना, मगर किंतु परंतु आपके ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाने के वजह से, स्मोकिंग, दारू और डायबिटीज़, मोटापे, रिस्क फैक्टर, स्ट्रेस और बथेरे रिस्क हमने पहले बता चुके हैं, उन सभी के वजह से या उम्र के वजह से या जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन आपको ब्लॉकेज हो गई, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो गया, प्लैक बनना शुरू हो गया, आर्टरी नैरो होनी शुरू हो गई, होगी होगी होगी. सो ब्लड वेसल आपकी खून की इस नैरोइंग को, उस स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस है, एक दिन में तो नैरो नहीं होती, एक दिन में वहां अटक सकता है क्लॉट, एक क्लॉट घूमता फिरता आके नैरो नस में अटक के अटैक कर सकता है, वो एक दिन में होगा, लेकिन नैरोइंग एक दिन में नहीं होगी, वो महीनों में होगी, वो सालों में होगी. ऐसे महीने सालों में स्टेडी नैरोइंग आर्थरोस्क्लेरोटिस, यहां पर बहुत सारे केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, बहुत सारे फिजिकल सिग्नल्स होते हैं जो पीछे ग्रोथ प्रमोट भी करते हैं. नाउ इमीडिएट रिएक्शन इन सिग्नल का है टू प्रमोट ब्लड फ्लो बियॉन्ड द नैरोइंग, टू प्रमोट एंड टू ट्राई एंड इम्प्रूव ब्लड फ्लो बियॉन्ड द नैरो, जहां नैरोइंग है वहां उससे आगे खून सप्लाई बढ़ाने की कोशिश होती है, साम दाम दंड भेद से. तो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज मिले
तो क्या करती है ब्लड वेसल्स, क्या करती है खून की नसें, कि एक जगह ब्लॉक होता है तो अगल बगल की नसें को खोलने लगती है, वो मोटे होने लगती है ताकि आगे जाके ब्लड सप्लाई हो सके, राइट। सो टाइनी ब्लड वेसल्स दैट हैव बीन सिटिंग आइडल, क्योंकि मेन जहां पे वो होता है ना, जैसे जैसे एक ट्रैफिक सिग्नल मेन रोड ब्लॉक हो जाती है, अगल बगल की छोटी छोटी गलियों में भीड़ चली जाती है, बिल्कुल वैसे ही ब्लड भी अगल बगल की छोटी 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 खून की नसों में चला जाता है, और वहां पे ब्लड जाते ही वहां पे एक्टिविटी बनने लगती है, वहां पे एक्सरसाइज अगर आप उसको दे दोगे, सही न्यूट्रिशन अगर आप उसको दे दोगे, सही डाइट अगर आपको दे दोगे, एक्सरसाइज दे दोगे रेगुलर वाली, तो वो लिटरली बड़ी होने लगती है, बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट करती है कि एक जहां पे रोड ज्यादा आने लगी, भीड़ होने लगी, वो रोड बड़ा करने लग जाती है, बिल्कुल वैसे। सो दिस इज दैट। लेकिन बड़ी नस एक बार ब्लॉक होगी और जगह नहीं है, तो बगल में फिर सेकंड वाला बाईपास रोड बनाया जाता है। दैट्स व्हाट योर बॉडी डज नेचुरली। कोलैटरल ब्लड वेसल्स ग्रो करती हैं, बड़ी होती जाती हैं, ज्यादा मस्कुलर बनती हैं, ज्यादा इंटरकनेक्टेड बनती जाती है, और ये जाके आपके ब्लॉकेज को लिटरली बाईपास कर देती हैं। सो यस, दिस हैपन्स नेचुरली, कई सारे लोगों में नेचुरली पाया जाता है एंजियोग्राफी के दौरान कि ब्लॉकेज के आसपास ग्रोथ, नेचुरल ब्लड वेसल्स का ग्रोथ हो जाता है। नाउ इससे हार्ट को अटैक से बचाया जा सकता है, इससे ब्लॉकेज होने के बावजूद आगे सप्लाई होता रहता है ब्लड का, ऑक्सीजन रिच ब्लड, और उसमें किसी भी प्रकार के ऑपरेशन स्टंट की जरूरत नहीं पड़ती फिर। सही बात है। सो सालों से इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, शोध चल रहा है, साइंटिस्ट लगे पड़े हैं कि भई ये कोलैटरल ब्लड वेसल्स को और डेवलप कैसे करें, राइट, और ज्यादा सक्सेसफुली कैसे करें। सो बट द रियल ट्रूथ इज नो, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल इक्विपमेंट और ईसीपी और अदर थिंग्स। द रियल ट्रूथ इज दैट इट ओनली रिक्वायर्स योर एक्सरसाइज। यू कैन डू इट एट होम, अपने घर में कर सकते हो, कोई मच और कोई किसी हाईटेक मशीन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अपने जूते चप्पल पहन के खुद कर सकते हो नेचुरल बाईपास। आपको सिर्फ 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 चलना है, राइट, सिर्फ दौड़ना चलना उससे होता है ना। इसमें बहुत सिंपल है कि कई सारे रिसर्चर्स ने भी ये बताया है कि अगर कोई रेगुलरली चलता है, कोई इंसान जो जिसके इवन अगर स्मोकिंग करता है, बुरी आदत है, जिसके अंदर क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा है, लिटरली क्लॉट है, जितने लिटरली प्लाक है, ब्लॉकेज है 50-60-70%, लेकिन वो रेगुलरली जॉगिंग, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग्स, व्हाटएवर, एथलेटिक्स करता है, तो उसके केस में ज़्यादा चांसेस हैं कि वह उनकी हार्ट की नसें बाईपास बना लेंगी। सो दैट इज़ अ गुड आइडिया। सो इससे क्या करोगे आप? रेगुलर एक्सरसाइज से लिटरली आपके हार्ट में अटैक के चांसेस, अटैक से डैमेज के चांसेस कम हो जाएंगे। इमरजेंसी थेरेपी को और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड कि आप अपने आप को कोलैटरल्स बना के रखें। कोलैटरल्स बनाने के लिए करना क्या है? सिर्फ अच्छी डाइट लेनी है। द बेस्ट डाइट इज डैश डाइट, वी ऑलरेडी हैव अ वीडियो ऑन दैट, एंड द बेस्ट एक्सरसाइज इज जस्ट एक्सरसाइज, is just brisk walk, if not running, if not anything else, brisk walk. You can do any kind of exercise, so that is natural bypass, right? एक बात याद रखिए, जरा जरा सी एक्सरसाइज नहीं करेगी वो, लिटिल बिट की थोड़ा सा हिल लिए, राइट। सो वॉट एग्जैक्टली हैपन्स, राइट, वेन यू एक्सरसाइज यू ड्रामेटिकली बूस्ट द ब्लड फ्लो थ्रू योर कोरोनरी आर्टरीज। नाउ एक्सरसाइज के दौरान लिटरली आपकी ब्लड वेसल जो हार्ट को सप्लाई करती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। जो लोग बुढ़ापे में एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनको ईसीपी मशीन से जब वो एक्सरसाइज करवाते हैं पैरों के अंदर पंप करके, जो आपने सुना होगा इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग बाय नेचुरल बाईपास बोल के चलाते हैं, सो दैट ऑल्सो इज लाइक जस्ट लाइक अ सूडो एक्सरसाइज, दोज़ हू कांट एक्सरसाइज उसको एक्सरसाइज करा दिया, समथिंग लाइक दैट, सो दैट इट माइट वर्क थ्रू दैट कॉन्सेप्ट। But then the idea is exercise is much better than that if you can do it. So exercise is much better because you can do it for a longer time,
राइट. सो एक्सरसाइज इज वेरी गुड, एक्सरसाइज पेज ऑफ, एक्सरसाइज से वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ता है, वो कॉन्स्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस वहां जो बढ़ता है और ज्यादा एंजाइम्स और केमिकल सिक्रीट करते हैं और ज्यादा ब्लड फ्लो बढ़ता है. बट लिमिटेड एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज से काम नहीं होगा. यू हैव टू पुश योर हार्ट, यू हैव टू पुश योर वॉकिंग टू ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क वॉक टू जॉगिंग, जॉगिंग टू रनिंग, स्लोली स्लोली इंक्रीज द प्रोग्रेसिव ओवरलोड. जॉगिंग करो, रनिंग करो, वट एवर, स्विमिंग, साइकिलिंग, हाइकिंग, राइट, द एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी विच एक्चुअली गेट्स योर हार्ट बीटिंग फास्टर, दिल की धड़कन बढ़नी चाहिए, बस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कितना दिन होना चाहिए? इट शुड बी 20 to 30 minutes तक करना ज़रूरी है रोज का. और इसको करना चाहिए एक हफ्ते में 3 to 4, 5 times, 3 to 5 times, दैट इज़ वेरी गुड. एक्सरसाइज इज द ग्रेटेस्ट वे, इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट हार्ट अटैक. एंड इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, दुनिया का कोई पर्सन इसमें मना नहीं करेगा, राइट. सो दैट इज द थिंग. एंड एवरीबडी वुड लव टू हैव अ नेचुरल बाईपास, कि स्टंट लगाना नहीं पड़े, बाईपास करनी ना पड़े, राइट. बच जाओगे अगर आज से ध्यान दोगे. अटैक होने के बाद सोचोगे अब एक्सरसाइज कर, अब क्या करें भैया, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अभी करना शुरू करें रेगुलर एक्सरसाइज. इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर माइंड, फॉर योर ब्रेन, फॉर योर बोन्स, फॉर एवरीथिंग. इट इज़ नॉट बैड. सो डू इट नाउ. सो शेयर द वीडियो एंड आस्क योर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.